तो कैसे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसका डिस्कवरी किसने किया, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसका कहां पर यूज है, आखिरकार वो लाने का जरूरत क्यों पड़ा, ये सब जो है ना हम आज के वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, इतना इसके बाद जो है इसका कुछ और गुण भी रहेगा, तो सकता है अगला वीडियो पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ और जो उसका अगला वीडियो पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन समझने वाला चैप्टर है। अब इसके बारे में शुरू करते हैं समझना। नामे से पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि आदमी की तरह सीधा नहीं है, सरल आदमी नहीं है, ये बहुत तरह का जटिलता अपने अंदर लेकर के बैठा हुआ है। अब कैसा जटिलता लेकर बैठा है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कहे से उसको कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। देखिए, संख्या दो तरह का होता है, वो होता है वास्तविक संख्या, होता है काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और जब दोनों नंबर को मिला करके कोई नंबर लिखाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि वो वास्तविक भी उसमें कुछ भाग होता है, उसमें कुछ भाग जो है हमारा इमेजिनरी भी होता है। समझ में आ रहा है बात, रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आखिरकार काहे ऐसा तरह का जटिलता है या जैसा, उसको समझते हैं। एवं जो इस साइंटिस्ट महोदय थे हमारे यूलर, इन्होंने इस चीज को सबसे पहले डिस्कवर किया, किसको, योटा को। योटा को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, किसके रूप में इंट्रोड्यूस किया, -1 के वर्गमूल के रूप में, यानी कि -1√ को हम लिखते हैं आई। इसका जरूरत का है पड़ा, अक्सर देखते होंगे जब आप 10th में पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते होंगे तो उसमें आता होगा b² - 4ac d = यहाँ पे डी क्या है, डी डिस्क्रिमिनेंट है, विभेदकर है, और जब वो 0 से छोटा हो जाता था तो लिखते थे अमान्य या काल्पनिक, या कहते थे नहीं इसका आंसर आएगा, है कि नहीं। अभी जो हम अलग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि नहीं वो काल्पनिक है, लेकिन उसका भी जो है आंसर हमको आएगा, कैसा आएगा, उसका टर्न क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने जो ये यूटा वर्ड को यूज किया वो हमारा क्या हो गया, √-1 = i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पावर ऑफ यूटा, क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ यूटा। उसके बाद इमेजिनरी क्वांटिटी, कि उसका जो इमेजिनरी बाकी सब नंबर होगा -333 -243 -625 तक क्या होगा, -625 का क्या होगा। उसके बाद पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उसमें कैसे क्या रिलेशनशिप बनेगा, उसको हम लोग जानेंगे। फिर पढ़ेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसके साथ ही हम इसका एक और चीज पढ़ेंगे, वो है एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। समझ में आ रही है बात। अब जो है शुरुआत करते हैं, चलिए आते हैं हमारे योटा महोदय के पास। तो योटा महोदय क्या कहते हैं कि √-1 = i। तो हमको क्या करना है, इसका पावर निकालना है। पावर कैसे निकालना है, आई पे पावर 5742 निकालिए, इसका वैल्यू क्या होगा। बाप रे बाप, बहुत बड़का होगा पावर है, बड़ा डर लग रहा है, बड़ा ये जानते हैं। a+b में भी ऐसा देता है, a+b में पावर 300, तब उसको कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे ना बाइनोमियल में। ठीक है, तो उसका अलग हमारा काम होगा, लेकिन फिलहाल हम इस पे बात कर रहे हैं। आई पे पावर हमारा कितना है, 5742 है, तो 5742 जो पावर है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम माइक तो ऑन है लेकिन उसको वैसे ही लटकाए पड़े हुए, इसको इधर लगा देते, तो आई बराबर 5742 है। तो 5742 के बाद हमारा क्या है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा भारी लगा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसको हम जो है ना जरा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, वो थोड़ा सा कि इसको कैसे करके हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। चलिए, अब जैसे कि आई बराबर हमारा क्या है, √-1, यानी कि ये तो आई है, यदि हम आई पे पावर 1 को लिखें तो। ठीक है, अब यदि हम आई स्क्वायर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, i/i, यानी कि √-1 / √-1, ये तो हमारा -1 हो जाएगा, खाली रूट घट जाएगा, है कि नहीं। अब हम यदि आई क्यू लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, i² / i लिख सकते हैं ना, i² का वैल्यू कितना आया भैया, -1 × i, तो -1 से किसी को गुना करेंगे तो क्या होगा, वो माइनस वन करके आ जाएगा, तो -i हो गया। अब जो है, अब हमको क्या करना है, i/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i² × i² का वैल्यू क्या था, -1, i क्या हो गया, -1, दोनों गुना होकर हमको क्या दे दिया, +1, है ना। तो क्या हुआ, i/1,
आई आई स्क्वायर माइनस वन आई क्यूब माइनस आई आई का पावर फोर यानी कि वन। अब आई का पावर फाइव, तो चलिए आई का पावर फाइव बराबर आई का पावर फोर गुना आई यानी कि वन गुना आई यानी कि आई। एवं बात को समझ लीजिए, जैसे पांच आया हम फिर से यहां आ गए यानी कि रिपीटिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। तब जो है चार तक हमारा काम आया, हम क्या करेंगे जितना भी हमको पावर दिया हुआ रहेगा हम उसमें चार से भाग दे देंगे, ठीक है। और यदि जो उसका शेष फल यानी कि रिमाइंडर डिवीजन करेंगे हम सबको डिवाइड कर देंगे चार से, और चार से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो बचेगा जीरो एक दो तीन चार। रिमाइंडर कैसे बचेगा, चार से भाग रहे हैं चार रिमाइंडर बचेगा, फिर चार का चार से कट के जीरो नहीं देगा तो जीरो एक दो तीन बचेगा, ठीक है। आई पे पावर जीरो इसको समझ जाइएगा कि चार है, इसको चार के इक्विवेलेंट मान लीजिए कहता है। ऐसे जो है किसी पे पावर जीरो दीजिएगा तो उसका वैल्यू एक हो जाएगा, और आई पे पावर चार लिखिएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा एक हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब हो गया आई पे यदि शेष वन बचा तो हम लिखेंगे आई पे पावर वन, शेष दो बचा तो आई स्क्वायर, शेष तीन बचा तो आई क्यूब, ठीक है। अब आई है जैसे कि अभी थोड़ा सा इसको मिटाते हैं नीचे का, शायद आपको लोकलाइज नहीं हो रहा होगा। अभी इतना जो हम भाग दे करके जो गुना करके ऐसे करके वैल्यू निकाले फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जरा से इसको आगे लेकर के चलते हैं कि यदि हम जो चार से भागा दिए बचा जीरो एक दो तीन, ठीक है, चार तो बचेगा नहीं चार से डिवाइड करेंगे तो ये जो जीरो एक दो तीन बचा किसी पर भी पावर जीरो होगा ये तो वन हो जाएगा, आई पे पावर जीरो तो वन, आई पे पावर चार तो भी वन, यानी कि जीरो जो है चौथा वाला का काम करेगा जो कि लास्ट वाला हमने लाया। अब बच गया आई पे पावर वन, तो आई पे पावर वन का तो हमारा क्या था आई चाहिए था, आई स्क्वायर बच गया तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस वन, आई क्यूब बच गया तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्यों कहा गया कि जो शेषफल बच रहा है ना रिमाइंडर बच रहा है ना यही जो है उसके ऊपर पावर बन के चला गया। अब इसका पहले एक गो दो गो तीन गो चार गो पांच गो क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बुक का होगा लगभग। अब जैसे कि हमको आ रहा है आई पे पावर 19 दे दिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं आई पे पावर 4 इंटू 4 प्लस 3 कैसे लिखे भैया, तो 19 भागा 4, 4 चौके 16, तो 4 गुना 4 दो 3 इसको लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। अब जो है ये हमारा एक तरह से इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते क्या होगा, आई पे पावर 4 जो है यहां पर लिख सकते हैं गुना 4, ऐसे भी तो ये जा सकता है कि नहीं, ये जा सकता है चार गुना चार। तो अब एक बात को समझिए, जब चार गुना चार हमारा आ गया तो शेषफल हमारा क्या बच रहा है 3, तो हम इसको डायरेक्टली खाली क्या लिखेंगे आई पे पावर 3, हाँ या नहीं, आई पे पावर 3 हमारा कितना हो जाएगा माइनस आई, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा माइनस आई। तो आई पे पावर 19 जो हम भाग दिए चार से, इसको क्या लिखे चार गुना चार प्लस 3, चार गुना चार मतलब चार वाली पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया का मतलब क्या कि गुना होकर के एक ना आया हो, न आया एक होकर के, इसको तनिको आरोप तोड़ करके बताए क्या, चलिए इसको तनिको का हम तोड़ते हैं। हम इसको लिख सकते हैं आई पे पावर 4 गुना 4 गुना आई पे पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं गुना में पावर जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, पावर जुड़ता है जोड़ देंगे ना चार गुना चार जो ठीक। अब जो इसको लिख सकते हैं आई पे पावर 4 क्या 4 गुना आई का क्यूब, आई पे पावर 4 कितना एक होता है, तो एक पे पावर 4 गुना आई पे पावर 3, एक पे पावर कितना दे दिए तो एक के ना रहेगा आई पे पावर 3, एक गुना आई पे पावर 3 तो आई पे पावर 3, और आई पे पावर 3 का वैल्यू कितना तो माइनस आई, पहुंच गए वहीं पे कि नहीं पहुंचे, पहुंच गए ना। अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, 19 से बड़का को डिजिट लेंगे, ठीक है, 19 से बड़का डिजिट लेंगे कितना ले लें, कितना ले लें 73 ले लेते हैं, ठीक है, तो आई पे पावर 73, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आई पे पावर 4 गुना 18 जोड़ 1 कहे भैया 73 भागा 4, 18 चौके 72 एक बच गया है ना, तो 4 गुना 18 जोड़ 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया आई पे पावर खाली 1, और आई पे पावर 1 का मतलब आई, चलिए इसको भी उसी तरह से दूसरा विधि से बनाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं आई पे पावर 4 गुना 18 गुना आई, तो अभी हमारा क्या हो गया आई पे पावर 4 पे पावर गुना 18 गुना आई, अभी हमारा क्या हो गया आई पे पावर 4 तो 1, 1 पे पावर 18 गुना आई, 1 पे पावर कितो दे दिए तो 1 क्या रहेगा 1 गुना आई बराबर आई, तो आई नहीं हो गया, क्लियर है। तो गुना तो समझ गए कि ऐसे होता है कि कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
पहला टॉपिक क्लियर हो गया हमारा आज का, जो हम आज के लिए टारगेट लेके चले थे, पहला ई की पावर ऑफ योटा, द पावर ऑफ योटा हमारा क्लियर हो गया है ना। अब जो क्या है इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी हमारा क्या है, हम तनिक इसको समझेंगे, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा भारी चीज है, नाम बहुत भारी भरकम लग रहा है, काल्पनिक परिमाण, बाप रे बाप, इमेजिनरी क्वांटिटी, ऐसा ऐसा नाम से कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, इमेजिनरी क्वांटिटी है क्या, इतना बड़का वो नाम लेके घूम रहा है भैया, है पिंटू सा का चीज नहीं कहता, नाम बड़े दर्शक छोटे कई कोई नाम है इसका। अब देखिए जैसे कि अंडर रूट माइनस तीन है, अंडर रूट तीन तो सब जानता है कि 1.7 होगा, अंडर रूट माइनस तीन है तो कह देता है काल्पनिक है, वैलिड नहीं है, काटो। जब हम लोग क्वेश्चन में बनाते हैं ना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दसवां में टेंथ क्लास में, तो जब इस तरह का वैल्यू आता है तो कहते हैं मान्य है, चलो भाई हटा इसको साइड पर, इस साइड नहीं पढ़ेगा भाई, ये भी अभी एग्जिस्ट करेगा, काहे एग्जिस्ट करेगा, काहे कि यूलर महोदय जो है इसको एग्जिस्ट कराने के लिए, इसको जो है अपना अस्तित्व दिलाने का काम किया, उसके लिए लड़े हैं, उसके लिए मेहनत की है, योटा को लाए हैं दुनिया में। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट माइनस एक गुना तीन, हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, तो हम इसको अलग अलग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट माइनस एक गुना अंडर रूट तीन लिख सकते हैं कि नहीं, और अंडर रूट माइनस एक हमारा क्या हो गया आई हो गया, आई गुना रूट तीन तो हम इसको लिखेंगे आई रूट थ्री, कहीं कहीं पढ़ने में अच्छा लगे तो उसके लिए लिख देता है रूट थ्री आई, ठीक है, अच्छा लगेंगे सुंदर। जैसे कि कभी एटाम आदमी ना अपना नाम बड़ा अजीब ढंग का रख लेता है, कुमार फलाना, कुमार चिलाना, वही किसी से नाम होता है फलाना कुमार, तो एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रेडिशन है फलाना कुमार का, जब कुमार फलाना आता है तो बड़ा ट्रेडिशन होता है, वही चीज है कि यहाँ बोलने में जो है तभी तकलीफ होता है, इसको जो एडजस्ट करके बोलने सीखे, ठीक है। ये तो एगो चीज समझ गए कि कैसे ही आया, अब एगो चीज को समझ गए, यदि दे दिया अंडर रूट माइनस 25, अब इसको क्या करेंगे भैया, इसको भी आंख बंद करके लिखेंगे, माइनस एक गुना 25, अंडर रूट माइनस एक गुना अंडर रूट 25, अंडर रूट माइनस एक को आई कहते हैं और रूट पांच हो गया हमारा 5, प्लस माइनस 5, ठीक है, ऐसा होता है ना, हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस 5 आई, ठीक है, आई कहां से आया, कहें कि अंडर रूट माइनस एक जो है हमको आई ला करके दे दिया, क्लियर है, ये दोनों बात समझ गए। तो इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होता है आप समझ में आ गया, कि जिसमें हम आई लगा देते हैं वो जो ये जो इसको हम लोग अमान्य कह देते हैं, हमारा इमेजिनरी क्वांटिटी है, इसको हम लोग काल्पनिक जो है परिमाण कहते हैं, ये काल्पनिक काहे है, काहे कि इसमें माइनस अंडर रूट में लगा हुआ है, यहाँ पर आई लग गया योटा तो उसको जो है एग्जिस्ट करा दिया, उसको जो है कुछ वैल्यू दे दिया, यानी कि अभी एग्जिस्ट करने लगा। अब तनिको यदि जो क्वेश्चन हमको कुछ अलग ढंग का रहा, कैसा अलग ढंग का रहेगा, तनिको क्वेश्चन का अलग ढंग भी देख लेते हैं, रहा आई पे पावर 13 जोड़ आई पे पावर 7 जोड़ आई पे पावर 6 जोड़ आई पे पावर 4 जोड़ आई स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या करेंगे, आई 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 मतलब माई, माई दुनिया की माई, सबकी माई, सबकी माई दिल में रहती है, उसे कभी नाराजगी नहीं होता है, नाराजगी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, हम हमेशा कहते हैं माँ से बड़ा कोई नहीं धरती में, माँ है तो हम लोग है ना, माँ बहुत बड़ा चीज है। चलिए आई के पावर 13 13 को हम क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 4 × 3 जोड़ 1, इसको क्या लिख सकते हैं भैया, आई के पावर 4 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं, आई पी पावर 4 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं, आई पी पावर 4 को 4 ही लिखेंगे, आई स्क्वायर को स्क्वायर पे छोड़ देंगे, ठीक है भैया। अब ये तो समझ रहे इतना जो पिछला किया कि ये वाला पार्ट में 4 पावर 3 वाला पार्ट हमको दे देगा क्या 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खाली 1 बचेगा प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे, फिर ये घिना आ जाएगा, आई पी पावर 4 × 3 जो है, तो 4 × 3 जो हमारा रह रहा है वो एक घेरा में आ जाएगा, तो 1 देने का वैल्यू, तो इसका क्या बच गया, खाली आई बच गया, ई क्या बच गया, आई क्यू बच गया, ई क्या बच गया, आई स्क्वायर बच गया, आई फोर बच गया, आई स्क्वायर बच गया, हो या नहीं बच गया ना, आई हमारा आई हो गया और आई क्यू हमारा क्या हो गया, माइनस आई होता है, अगर पहले हम बताए पावर में आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 होता है, इसको माइनस 1 लिखिए, आई में पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, आई स्क्वायर हमारा क्या होता है, माइनस 1 होता है, क्लियर। माइनस 1 से प्लस 1 को काट दे, आई से इसको काट दे, माइनस 1 हो जाएगा, तो इस तरह का जब जोड़ घटाव दिया हुआ रहेगा तो आप यही काम करना है, ठीक है, पहले पावर को तोड़ेंगे उसको इसको लिख लेना है, क्लियर। अब देखिए कि अब जो है हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, योटा का सारा सॉल्व कर लेने के बाद,
अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या भैया, तो हम क्या बोले कि उसमें रियल भी होगा उसमें इमेजिनरी भी होगा। मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। थोड़ा तो शॉर्ट में लिखे, उधर जगह करेंगे कम पड़ रहा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करेंगे, क्या चीज से डिनोट करेंगे, जेड से। इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों मिला रहता है, ठीक है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों संख्या इसमें मिला रहता है। रियल नंबर को आर ई जेड से डिनोट करते हैं, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको जो है आई एम जेड से डिनोट करते हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया बात, क्या हो गया रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट में तो आप जान रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इनफिनाइट तक चले, जिसको आप गिन सकते हैं, माइनस में भी चल जाइए, जिसको कि आप गिन सकते हैं, नहीं भी गिन सकते हैं, इनफिनाइट को कौन गिनाया था, मतलब जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इमेजिनरी क्या होगा, वही अंडर रूट माइनस वन वाला, ठीक है, जिसमें कि योटा लगेगा, तो जिसमें योटा लगा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यदि हमारा रियल पार्ट जो है वो हमको दे रहा है ए, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस आई बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, जेड बराबर ए प्लस आई बी। समझ में आ रहा है बात, जेड बराबर ए प्लस आई बी। ए क्या है, रियल पार्ट है, बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, आई भी हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर आई क्या है हमारा योटा। अब इसी तरह से यदि हमको जेड वन लिखना हुआ तो ए वन प्लस आई बी वन, जेड टू बराबर ए टू प्लस आई बी टू, ऐसे करके इसको लेकर के चलते चले जाएंगे जहां तक हमको जो चीज का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब एक बात को समझिए, काल्पनिक दुनिया भी अब हमारे काम में आ रहा है, ठीक है, वास्तविक के साथ मिल मिल के चलता है। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल थ्योरम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थ्योरी, अपने रिलेटिविटी से समझ के जब पढ़िएगा तब आगे बढ़िएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब जो है ना अपने दिमाग का बहुत ज्यादा परसेंटेज यूज कर दिए, कभी मारा यूज करते तो दुनिया बदल जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाए, इसको मिटा देते हैं, ये हम आ गए यहाँ तक कि जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। अब माने कि हम ऊपर दे दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर 2 + 3 आई, ठीक है। तो रियल पार्ट कौन हो गया भैया, आर ई जेड कौन हो गया हमारा, हो गया आर ई जेड कौन हो गया 2 हो गया, आई एम जेड कौन हो गया भैया, ये हो गया हमारा 3i। इमेजिनरी पार्ट कौन हो गया, 3i हो गया, क्योंकि उसमें आई लगा हुआ, उसमें योटा लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम इसको जो है मिटा देते हैं, ये अब हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है वो हम समझ गए। अच्छा, अब यदि हम दू गो भाई जुड़वा है, जुड़वा है मतलब कॉपिये है एक दूसरा का, इसका मतलब हमारे जैसा हाथ है वैसा उसका हाथ है, हमारे जैसा गोर है वैसा उसका गोर है, मतलब पहला, ठीक है, हमारे जो मुंह है वैसा उसका मुंह है, हमारे जो ठोर है वैसा उसका ठोर है, हमारे जहन आंख है जहन आंख है, जहन और कान है जहन और कान है, जब सब बराबर तो हो गया जुड़वा, एक जैसा समरूप है ना, तो समरूप मतलब इक्वल, इक्वल। तो जब दो को कॉम्प्लेक्स नंबर माने कि जेड वन एक है तो ए वन प्लस आई बी वन है, दूसरा जेड टू है तो ए टू प्लस आई बी टू है, क्या कह रहा है कि जेड वन बराबर जेड टू के है, तो रियल बराबर रियल, इमेजिनरी बराबर इमेजिनरी। समझ में आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ए वन बराबर ए टू और बी वन बराबर बी टू, कहा भैया आई आई दोनों के तरफ से कट जाएगा, है ना, आई बी वन बराबर आई बी टू तो आई आई कट लेंगे, तो यानी ए वन बराबर यदि ए टू के है, बी वन बराबर यदि बी टू के है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या कहा जाएगा, इक्वल कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन करें, चलिए आराम से मजा ले लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं यहीं पर, हम उसको लिख लेंगे। अब जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 2 + y i और x + 3i, तो भैया x और y का वैल्यू लिखिए, तो रियल बराबर रियल, कंडीशन अप्लाइड जेड वन बराबर जेड टू, इफ x बराबर व्हाट y बराबर व्हाट, तो रियल बराबर रियल यानी कि x बराबर 2 के, इमेजिनरी बराबर इमेजिनरी यानी कि y बराबर 3 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब ये हो गया हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम जो है तीसरा टॉपिक भी कर लिए, जो हमने आज का टारगेट था लगभग हम तीसरा टॉपिक कर लिए इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमको क्या करना है, दो को कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, तो पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना तो होगा। Z1 बराबर A1 प्लस IB1 माने, Z2 बराबर A2 प्लस IB2 माने, हमको क्या करना है, Z1 प्लस Z2 को जोड़ना है। हाँ या नहीं? अरे भीड़ जितना है सब अपने अपने लिंग के आधार पर वर्गीकृत हो जाए, जितना लड़का एक तरफ जितना लड़की एक तरफ हो या नहीं? तो लड़का चार को पहले से था, तो उसमें जो बचल का लड़का सौ को जुड़ गया, कितने हो गए 104। जो लड़की ने ना जुड़े, लड़की कितना था, उसमें जो लड़की जुड़ेगा उसको जुड़ेंगे, यानी कि जो रियल नंबर है रियल नंबर के साथ जुड़ेगा, और जो इमेजिनरी नंबर है इमेजिनरी नंबर के साथ जुड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस आई बी वन प्लस आई बी टू। क्या कर देंगे, ए वन प्लस ए टू प्लस आई को मन बी वन प्लस बी टू। हाँ होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। जेड वन प्लस जेड टू हमारा क्या हो गया, ए वन प्लस ए टू प्लस आई बी वन प्लस बी टू, है ना। तो ये हो गया हमारा एडिशन। अब जैसे जेड वन बराबर टू प्लस थ्री आई, जेड टू बराबर सेवन प्लस नाइन आई, हमको निकालना है जेड वन प्लस जेड टू। दो जोर सात कितना हो गया नौ, नौ जोर तीन कितना हो गया बारह, तो नौ प्लस बारह आई की हो गया हमारे क्या चीज, जेड वन प्लस जेड टू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए ये कह रहा है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कर लिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ, सॉरी सब्सट्रैक्शन ऑफ, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब ये घटाना है, Z1 बराबर माने A1 प्लस IB1, Z2 बराबर माने क्या A2 प्लस IB2। क्या करना है, Z1 माइनस Z2 करना है, तो रियल रियल में घटेगा और इमेजनरी इमेजनरी में घटेगा, मतलब A1 माइनस A2 प्लस, ऐसे इसको थोड़ा अच्छा से एक बार करें तोड़ने का काम, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले लिखिए ए वन प्लस आई बी वन माइनस, घटाना है ना, ए टू प्लस आई बी टू। ठीक है, तो ए वन प्लस आई बी वन माइनस ए टू माइनस आई बी टू, तो क्या हो जाएगा ए वन माइनस ए टू, और फिर क्या हो जाएगा प्लस आई बी वन माइनस आई बी टू, है ना। तो ए वन माइनस ए टू प्लस आई कॉमन, तो बी वन माइनस बी टू, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको अब हम एक क्वेश्चन पे करके देखते हैं। जैसे कि हमारा जेड वन बराबर दे दिया सेवनटीन आई प्लस ट्वेंटी थ्री जे, सॉरी सेवनटी थ्री प्लस ट्वेंटी थ्री आई, हम वेक्टर में चल गए थे अभी। ये हो गया हमारा जेड टू बराबर तेरह प्लस ग्यारह आई, हमको क्या करना है, निकालना है जेड वन माइनस जेड टू। तो जेड वन माइनस जेड टू क्या हो जाएगा, सत्रह में से तेरह जाएगा, ए वन माइनस ए टू सत्रह में से तेरह गया चार, और प्लस आई कॉमन, अब क्या हम बोले बी वन माइनस बी टू, तो तेईस माइनस ग्यारह हमारा कितना हो जाएगा बारह, हो गया। इसको सजा के लिख दीजिए चार प्लस बारह आई ओवर, तो हमारा सब्सट्रैक्शन जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का खत्म हुआ। अब हम चलेंगे मल्टीप्लीकेशन पर, चलिए तो मल्टीप्लीकेशन पे चलते हैं, और कल के लिए जो हम रिमाइंडिंग रखने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा रेसिप्रोकल कंजुगेट, और जो है हमारा उसको कॉस और साइन के फॉर्मेट में लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को, और लास्टली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस फॉर्मेट में करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बाद जो है टॉपिक थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और उसके बाद फिर लेंथी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो अगले पीरियड में हम उस चीज को करेंगे। अब चलते हैं क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो जेड वन हम इधर टॉपिक निकाल देते हैं, तो ये हम इसलिए रखे हुए थे कि थोड़ा वो दिख जा रहा है कि आज क्या क्या हमको डील करना है। अब तो दो ही चीज बचा, मल्टीप्लीकेशन के बाद डिवीजन, तो हम जो है इसको कंप्लीट इरेज कर ले रहे हैं।
तो हमको क्या है यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जेड वन बराबर क्या माना, ए वन प्लस आई बी वन, और जेड टू बराबर मैंने माना ए टू प्लस आई बी टू, मान लिए ना हम लोग। तो अब जो है क्या करेंगे, जेड वन गुना जेड टू करना है, तो क्या लिखेंगे, ए वन प्लस आई बी वन गुना ए टू प्लस आई बी टू, ठीक है, गुना कीजिए, ए वन गुना ए टू क्या हो जाएगा, ए वन ए टू, अब ए वन गुना आई बी टू तो क्या हो जाएगा, प्लस आई ए वन बी टू हो जाएगा ना। अब इसके बाद आई बी वन को ए टू से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, आई बी वन ए टू, उसके बाद फिर यही जो है इससे गुना हो जाएगा, तो आई गुना आई आई स्क्वायर बी वन बी टू होगा कि नहीं होगा, देख लीजिएगा एक बार फिर से और समझ जाइएगा एक बार फिर से, ए वन गुना ए टू तो ए वन ए टू, ए वन गुना आई बी टू तो आई ए वन बी टू, आई बी वन गुना ए टू तो आई बी वन ए टू, आई बी वन गुना आई बी टू तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बी वन बी टू हो जाएगा। अब अगले क्रम में चले, ए वन ए टू प्लस आई ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू, आई कॉमन ले लिया, आई स्क्वायर का वैल्यू भैया माइनस वन होता है ना, तो माइनस वन गुना बी वन बी टू क्या हो जाएगा, ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू, कहीं इसको माइनस वन से गुना करेंगे तो माइनस होकर क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी वन ए टू बी टू, यहां पर ए टू लिखा गया है ये बी टू होगा, चलिएगा। अब प्लस आई ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू, इसको जो है ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, ये क्या हो गया रियल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया, किसका, जेड वन इंटू जेड टू, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन को कम से कम जरूर करेंगे और फिर जो है हम लोग डिविजन का काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि यदि हमको जेड वन बराबर दे रहा है थ्री आई प्लस सॉरी थ्री प्लस फोर आई, और जेड टू बराबर दे रहा है टू प्लस फाइव आई, ठीक है। हम क्या बताए, सबसे पहले हम फॉर्मूला पे काम कर लेते हैं तो बहुत इजीली बन जाएगा, उसके बाद इसको अच्छा से एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा करेंगे। ए वन इंटू ए टू यानी तीन गुनी छ माइनस बी वन इंटू बी टू मानी चार गुना पांच तो बीस हो गया, ठीक है, प्लस आई ए वन बी टू यानी कि तीन गुना पांच तो पंद्रह जोड़ बी वन ए टू, बी वन ए टू तो बी वन कौन सा है, ये चार है, ए टू क्या है दो है, तो चार गुनी आठ माइनस चौदह प्लस तेईस आई, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम इसको एक्सप्लेन वर्जन में इसी तरह से गुना करके लिखेंगे, ठीक है, गुना करके लिखने के बाद वेरीफाई कर लेंगे कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं, ठीक। तो चलिए अब जो है हम लोग अगला प्रोसीजर पे चलते हैं, तो जेड वन बराबर तीन गुना तीन जोड़ चार आई था, और जेड टू बराबर हमारा क्या था दो जोड़ पांच आई था, फाइव आई था, ठीक है। तो जेड वन इंटू जेड टू बराबर थ्री प्लस फोर आई गुना टू प्लस फाइव आई, डन, तीन से गुना कीजिए तीन गुनी छ, तीन से गुना कीजिए तीन पचे पंद्रह आई, हाँ ना, ठीक है। अगला प्लस चार से गुना कीजिए चार गुनी आठ आई, चार से गुना कीजिए चार पचे बीस आई स्क्वायर, कितना हो गया भैया छ जोड़ पंद्रह आठ तेईस आई प्लस बीस, यहाँ आई स्क्वायर का माइनस वन, यानी कि छ माइनस बीस प्लस तेईस आई यानी कि माइनस चौदह प्लस तेईस आई, ठीक है, डन, या देखिए माइनस चौदह प्लस तेईस आई, डन हो गया। ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम आज के आखिरी टॉपिक पे जा रहे हैं, और वो हमारा क्या है कि डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हम सोच रहे हैं कि डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको जो है मॉडुलस फंक्शंस को फिर बताना होगा, या हम लोग कर भी सकते, कर ही लेते हैं, कोई बड़ा बात नहीं, मॉडुलस फंक्शन को अगले वीडियो में देख लेंगे। जैसे कि हमको फिर से जेड वन बराबर ए वन प्लस क्या देगा आई बी वन, और जेड टू बराबर ए टू प्लस आई बी टू,
छुट्टी का नाम सुनने के बाद तो बड़ा मन खुश हो जाता है। हम देखते हैं सर अकेला सुबह में जैसे बोलते थे कि आखिरी क्वेश्चन है छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद बच्चा होता भैया क्वेश्चन उठा जाए, फिर बोलते थे अभी दो बार बनाएगा। ठीक है चलिए, इस सब मजा तो अभी हम लोग के लिए बहुत दूर का है, बच्चों से मुलाकात भी बड़ा मुश्किल सी बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं जेड वन को जेड टू से डिवाइड करना है। क्या करना है, जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू, क्या करेंगे ए वन प्लस आई बी वन बटा में क्या लिखेंगे ए टू प्लस आई बी टू, लिखेंगे कि नहीं बोलिए ना, लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे लिखेंगे पक्का लिखेंगे, कल बोलेगा फिर से लिखेंगे। चलिए अब आगे इसका क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन समझते ना, प्लस होता है तो माइनस से गुणा कर देते, माइनस होता है प्लस से गुणा करते, परिमेयकरण हर परिमेयकरण कर लेंगे। तो क्या हो गया ए वन प्लस आई बी वन बटे ए टू प्लस आई बी टू, अब इसको गुणा करेंगे ए टू माइनस आई बी टू से गुणा करेंगे, अब बटा में क्या ए टू माइनस आई बी टू से गुणा कर देंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आगे बढ़े ए वन गुना ए टू, ए वन ए टू, ए वन गुना आई बी टू तो माइनस आई ए वन बी टू आई, अब थोड़ा नीचे से ऐसे करके ले जाते हैं, अब प्लस आई बी वन ए टू फाइनल, अब उसके बाद प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर बी वन बी टू। ठीक है डन, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ए प्लस बी या ए माइनस बी आपको लग रहा है दिख रहा है, दिख रहा है कि होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा ए टू का स्क्वायर, ए टू का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस आई बी टू का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे भैया ए वन ए टू है ना, माइनस हमें दीजिए आई कॉमन ले लीजिए, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू हो जाएगा कि नहीं होगा, अब इसके बाद माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन बी टू होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब जो है नीचे क्या हो गया ए टू का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी टू का स्क्वायर होगा ना, तो अब क्या हो जाएगा कैमरा मैन साहब नीचे दिख रहा है कहां तक दिख रहा है, यहां 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 यहां, मतलब ये लाइन आपको नहीं दिखने जा रहा है, तो तब कभी तो पहले माने हुए थे तब इसको जो मिटा लेते हैं फर्दर कहीं उधर चल जाएंगे। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, ई साहब भी अभी जगह लिए हुए हैं, इनका भी काम खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं इसको क्या लिख सकते हैं ए वन ए टू, यहाँ क्या हो गया माइनस माइनस प्लस बी वन बी टू है ना, अब उसके बाद माइनस यहाँ पर जो है हम कॉमन ले लेते हैं, तो आई ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू बटे में ए स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर माइनस माइनस वन बी टू का स्क्वायर, यानी कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू माइनस आई ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू बाय ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर। ठीक है ये हो गया हमारा क्या चीज जेड वन बाय जेड टू। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा गुना सही है कि नहीं, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर जो है टाटा बाबा खत्म आज का क्लास। क्या अब देखिए ए वन गुना ए टू तो ए वन ए टू सही है, ए वन गुना माइनस आई बी टू तो माइनस आई ए वन बी टू। ठीक है फिर ई जो है अब ई हमारा प्लस वाला से गुना होता था प्लस आई बी वन ए टू, उसके बाद ई आई गुना माइनस आई तो माइनस आई स्क्वायर बी वन बी टू, क्लियर है। ये यहाँ हो गया माइनस वन माइनस आई कॉमन ले लिए और यहाँ पर हमारा क्या रह गया कि माइनस और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, बाकी सब जैसे रहेगा। ठीक है तो अब हम क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे कैसे करेंगे भैया, तो डायरेक्ट फॉर्मूलों में बैठा सकते हैं या ऐसे गुणों करके लिख सकते हैं। ठीक है जो उचित लगे, तो ऊपर का भी लाइन को मिटा दीजिए, कहीं ना कहीं काम आएगा। जेड वन बराबर टू प्लस थ्री आई, जेड टू बराबर फोर प्लस फाइव आई, कुछ हो दे सकता है कोई भी वैल्यू दे सकता है कि हम लोग एग्जाम्पल वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है अब जैसे कि इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो जेड वन बटा जेड टू हमारा क्या होगा ए वन ए टू यानी कि चार दुनिया आठ जोड़ बी वन बी टू यानी कि पांच दिया पंद्रह
माइनस आई ए वन बी टू यानी कि 5 दूनी 10 माइनस बी वन ए टू यानी कि 4 किया 12 हो गया क्लियर। अब बटे ए टू का स्क्वायर जो बी टू का स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16 जो 25 सही है 25 तक सही है। अब क्या हो गया 8 15 23 माइनस ये क्या हो गया आई माइनस 2 हो गया ना बटे ये हो गया 41 यानी कि 23 प्लस 2 आई बाय 41 आई है तनी को जो मेरा आई बौला रंग का हो जाता है ठीक है तनी उसको कंप्रोमाइज कीजिए तो हमारा इतना आया। अब अगर लेनी बैठे थे करें हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं बाद में वेरिफिकेशन भी तो करना होगा ना हमको कि हम लोग क्रॉस चेक में कि सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं तो हम आंसर यहाँ पर लिख करके रख लेते हैं कि जेड वन बाय जेड टू जो है हमको इतना मिला ठीक। अब चले चलिए कहा चलिएगा तारों के शहर में। अरे भैया तार के शहर में भारी करंट दौड़ रहा है समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 प्लस 3i बाय 4 प्लस 5i क्या करेंगे 2 प्लस 3i बाय 4 प्लस 5i है तो गुना 4 माइनस 5i बटे 4 माइनस 5i कर लेंगे ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे भैया 2 चौके 8 और उसके बाद ये 2 पंचे 10 तो माइनस 10 कितना आई हाँ ने? उसके बाद 3 चौके 12 तो प्लस 12 आई और 5 3 माइनस 15 आई स्क्वायर हाँ ने? अब बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 2i माइनस i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होगा 12 ब्रैकेट में लिखने से दिक्कत ही है तो प्लस 15 ठीक है कितना लंबा खींचिएगा तो ये प्लस 15 में कहा जाएगा ये i स्क्वायर बराबर चूंकि i स्क्वायर बराबर माइनस 1 ठीक है तो ये क्या हो गया 4 चौके 16 माइनस अच्छा फिर से 25 हो गया 25 आई स्क्वायर का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा माइनस 1 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर वो चिन्ह हमसे गलत हो गया माइनस 10i प्लस 12i तो प्लस 2i हो गया ठीक है। अभी कितना हो गया अब 15 और 8 23 प्लस 2i बाय 16 जोड़ 25 16 25 कितना होगा 41 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है वो आंसर सेम है ना। तो अब जो है हम लोग अगला वीडियो में क्या करेंगे कि अगला वीडियो में कंजुगेट निकालेंगे उसको साइन कॉस के फंक्शन पे लिखेंगे उसके बाद जो है हम लोग उसको जो है क्या आर्गुमेंट उसका निकालेंगे। आर्गुमेंट निकालने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वो हम लोग पढ़े हैं दसवां में माइनस b² - 4ac नेगेटिव वाले पे क्या होता है वो सबको सॉल्व करके देखेंगे ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को आगे बढ़ाइए और बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा ठीक है। और आपको जो है प्रॉब्लम है वो कॉमेंट में जरूर लिखा कीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है कंटेंट कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर कॉमेंट किया कीजिएगा। हम लोग बेसब्री से आपके कॉमेंट का वेट करते हैं बहुत पसीना बहा बहा के आपके लिए वीडियो बनाते हैं प्लीज कॉमेंट जरूर किया कीजिएगा ठीक है। थैंक यू धन्यवाद टाटा बाय।